experiencing heavy hair fall, you want something for your itchy and flaky scalp, and you are looking for the remedy to make your hair shiny, believe me, this would be the remedy you are waiting for. Hello everyone, मैं हूँ अर्चना and welcome to my channel. In case if you are new to my channel, make sure to subscribe it. Also, अगर वीडियो अच्छी लगे तो hit the like button and share with your family and friends. अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आज की रेमेडी उन सभी के लिए है those who are experiencing heavy hair fall. स्कैल्प में किसी भी प्रकार की ईचीनेस या फ्लेकीनेस आ गई है एंड योर हेयर्स हैव बिकम डल. आज की रेमेडी सभी के लिए है बिकॉज दिस इज द जेम ऑफ द रेमेडीज. दिस रेमेडी इज वेरी सिंपल येट वेरी न्यूट्रिटिव एंड हैव अमेजिंग रिजल्ट्स. सो वंस यू ट्राई डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विथ इट एंड यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ऑल्सो इफ यू हैव सीवियर हेयर फॉल आई वुड सजेस्ट गिव इट अ ट्राई एंड यू विल बी हैप्पी. This remedy is going to stop your hair fall. It's going to treat your itchy and flaky scalp. It's going to color and condition your hair properly. And also if you have premature graying of hairs, so it's going to help you a lot. Basically, it's going to make your hairs black. So let's find out what and how needs to be done. आज की हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए तीन मैजिकल चीज़ें और वो हैं आंवला, रीठा एंड शिकाकाई. आंवला इज़ अ सुपर फूड नॉट ओनली फॉर आवर हेल्थ बट ऑल्सो फॉर हेयर्स. दीज आर लोडेड विद विटामिन सी, ई, ए, आयरन एंड कैल्शियम. ये सारे न्यूट्रिशन हमारे हेयर्स को चाहिए होती है एंड ये सारी होती है आंवला में भर के. आंवला बालों को काला करती है. आप आंवला को यूज़ करके देखिए. आंवला पाउडर को टच करने के बाद हाथ बिल्कुल काले हो जाते हैं. आंवला एक्चुअली बूस्ट योर हेयर्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, पिगमेंटेशन एंड शाइन. रीठा इज़ अ काइंड ऑफ सोप और ये बालों में शाइन ऐड करने का काम करती है. शिकाकाई इज समथिंग दैट मेक्स योर हेयर स्ट्रांग इन केस इफ़ यू हैव ब्रिटल हेयर्स और वो बीच से टूट जाते हैं तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ शिकाकाई एंड इट्स रेगुलर यूसेज विल मेक योर हेयर स्ट्रांग इनफ. मैंने यहाँ पर हाफ कप आंवला, हाफ कप शिकाकाई और 5 रीठा यूज़ की है. आज की रेमेडी के लिए मैं यहाँ पर इनकी फ्रूट्स को यूज़ कर रही हूँ पर आप चाहें तो बिल्कुल इसकी पाउडर को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. इन तीनों ही चीज़ों को मैंने आयरन की कढ़ाई में ले ली है क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ. हमें इसमें पानी ऐड कर इसे ओवरनाइट सोक करनी है और नेक्स्ट डे 30-40 मिनट्स के लिए हम इसे अच्छे से बॉईल करेंगे ताकि वे अच्छे से स्वेलन अप हो जाए और अपनी सारी न्यूट्रिशन पानी में छोड़ दे. ठंडी हो जाने पर हम इसे अच्छे से मसलनी है और छान कर ले लेनी है. आप चाहे अगर तो मेरी तरह इसे यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे एक दिन और छोड़ सकते हैं. इससे कलर और भी डार्क हो जाएगी. रेमेडी इज सिंपल, न्यूट्रिटिव एंड हैव अमेजिंग रिजल्ट्स. सो अप्लाई ऑन योर हेयर्स वेन एवर यू वॉश योर हेड एंड यू विल डेफिनेटली हैव अमेजिंग रिजल्ट. बट यू ऑल्सो नो इफ यू आर डूइंग नेचुरल रेमेडीज, natural remedies do take time and you have to be patient but definitely you will get amazing results. This remedy will stop your hair fall. It will treat your itchy and flaky scalp. It will improve your hair texture and overall appearance. नाउ फॉर दी एप्लीकेशन आपको अपने बालों को सुलझा लेनी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसे अपने रूट्स पर अप्लाई करनी है. नाउ दिस मास्क इज़ नथिंग बट प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर हेयर्स सो इसे रूट्स पर अप्लाई करनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मैंने जो मास्क प्रिपेयर की है वो थोड़ी लिक्विडी है इसलिए मैं इसे हेयर ब्रश से अप्लाई करने वाली हूँ. इस मास्क को मैं पहले अपने रूट्स पर अप्लाई करूंगी एंड देन इससे मैं अपने पूरे हेयर लेंथ को भी कवर करने वाली हूं. Thank you.
न्यूट्रिटिव होने के साथ ही ये बालों को काला बनाने का भी काम करती है। आप चाहे तो इसमें ही डेफिनेटली हिना भी सोक कर सकते हैं। ये मास्क जड़ों से हेयर्स को काला बनाती है। Now, when application is done, wrap your hair with shower cap or any polythene and leave it for at least an hour. अगर आप बालों को कलर करने के लिए ये मास्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको सेम डे शैम्पू नहीं करनी है बल्कि अपनी हेड वॉश प्लेन वाटर से करनी है। पर अगर आप मेरी तरह कंडीशनिंग के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेम डे शैम्पू कर सकते हैं। रेमेडी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही न्यूट्रिटिव है। मैं इसे सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड एवरी टाइम आई यूज़ इट आई हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। तो डेफिनेटली आप इसे अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। व्हेन यू विल यूज़ दिस रेमेडी यू विल सी दैट नॉट ओनली इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ बट इट विल इम्प्रूव योर ओवरऑल हेयर अपीयरेंस एंड इट विल गिव अ वेरी डार्कर शेड टू योर हेयर्स। And once you are done, always tie your hairs and wrap it. क्योंकि रेमेडी बहुत ही सिंपल है, यू विल फील लाइक कि बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, बट लेट मी टेल यू इट्स अमेजिंग। डू गिव इट अ ट्राई, इट्स वेरी पावरफुल, इट कैन बी अ अमेजिंग रिजल्ट्स फॉर यू। सो दिस वाज इट अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। In case if you are new to my channel, make sure to subscribe it. Do take really very good care of yourself and I'll see you guys very, very soon in my next one. Till then, take care and bye-bye.